हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू फ्रियास लवली किचन। आज हम बनाएंगे दाल वाली तुरई की सब्ज़ी। ये तुरई की सब्ज़ी खाने में जितनी टेस्टी है उतनी ही हेल्दी है। तो चलिए देखते हैं दाल वाली तुरई की सब्ज़ी बनाने के लिए हमें किन किन चीज़ों की आवश्यकता होगी। इधर मैंने तुरई को कट करके लिया है। देखो, तुरई को इसी तरह से ऊपर की जो लाइन होती है वो पिलर की मदद से पील किया है और छोटे छोटे टुकड़ों में कट किया है। छोटे छोटे टुकड़ों में कट करेंगे। एक चम्मच मूंग की दाल को धो के लिया है। एक कटा हुआ टमाटर, एक कटा हुआ प्याज, एक चम्मच अदरक और लहसुन की पेस्ट, टेस्ट के लिए नमक, लाल मिर्च पाउडर, गरम मसाला, हल्दी, सरसों और ज़ीरा। और हमें चाहिए तुरई की सब्ज़ी बनाने के लिए तेल और गार्निशिंग के लिए कटा हुआ हरा धनिया। तो चलिए दाल वाली तुरई की सब्ज़ी बनाना स्टार्ट करते हैं। इधर मैंने चॉपिंग बोर्ड लिया है। ये जो तुरई है, तुरई को और भी हमें छोटे छोटे टुकड़ों में कट करना है। देखो, इसी तरह से छोटे छोटे टुकड़ों में हम इस तुरई को कट करेंगे। देखो, इसी तरह से सारी तुरई को कट करके रखा है। चलो सब्ज़ी बनाना स्टार्ट करते हैं। गैस के ऊपर मैंने पैन गरम करने के लिए रखा है। अब हम इसमें डालेंगे एक चम्मच तेल। जैसे ही तेल गरम होने लगा, इसमें सरसों डाल देते हैं, ज़ीरा डाल देते हैं, कटा हुआ प्याज। प्याज को एक दो मिनट भूनेंगे। अब हम इसमें डालेंगे अदरक और लहसुन की पेस्ट। मिलाते हैं अदरक और लहसुन को भी प्याज के साथ और भूनते हैं। देखो, इसी तरह से अदरक लहसुन और प्याज अच्छी तरह से भून गए हैं। अब हम इसमें डालेंगे हल्दी। मिलाते हैं हल्दी को, कटा हुआ टमाटर डाल देते हैं, टमाटर को मिक्स करेंगे, लाल मिर्च पाउडर डाल देते हैं और इन सारी चीज़ों को मिक्स करके एक मिनट भूनेंगे। अब हम पैन के ऊपर ढक्कन रख के बिल्कुल धीमी आंच पर दो तीन मिनट पकाएंगे ताकि टमाटर अच्छी तरह से पक सके। देखो, दो मिनट हुआ है, टमाटर अच्छी तरह से पक गए हैं। अब स्पून की मदद से इसे हम स्मैश करेंगे। देखो, इसी तरह से ये टमाटर अच्छी तरह से पक गए हैं। अब हम इसमें डालेंगे मूंग की दाल। मूंग की दाल को मिक्स करेंगे, एक कटी हुई तुरई डाल देते हैं और इन सारी चीज़ों को मिक्स करेंगे। इसमें टेस्ट के लिए नमक डाल देते हैं। मिलाते हैं नमक को, अब हम इसमें डालेंगे आधा कप पानी। तुरई पकाने में जितना पानी लगेगा उतना पानी हम डालेंगे। आधा कप पानी में इतनी तुरई पक जाएगी। अब हम पैन के ऊपर ढक्कन रख के बिल्कुल धीमी आंच पर 10 से 15 मिनट पकाएंगे और बीच बीच में चलाते रहना है। चलो तुरई को 10 मिनट पकाते हैं। देखो, इसी तरह से ये तुरई की सब्ज़ी बनके तैयार है। मिलाते हैं एक बार इसे, एक गरम मसाला डाल देते हैं। मिलाते हैं गरम मसाला को, ध्यान रखें गरम मसाला मैंने सबसे बाद डाला है। अब हम पैन के ऊपर ढक्कन रख के फिर से दो मिनट बिल्कुल धीमी गैस पे पकाएंगे। और देखो, इसी तरह से ये तुरई की सब्ज़ी बनके तैयार है। इसे कटा हुआ हरा धनिया से गार्निश करेंगे। मिलाते हैं धनिया को और हम इसे एक सर्विंग बाउल में सर्व करेंगे। लीजिए, गर्मा गर्म दाल वाली तुरई की सब्ज़ी बनके तैयार है। इसे आप चपाती, रोटी,
के साथ खा सकते हो। तो चलिए आप भी जरूर इसी तरह से दाल वाली तुरई की सब्ज़ी झटपट बनाइए, खाइए। आई होप आपको भी बहुत बहुत ही पसंद आएगा। हमेशा की तरह मेरी आज की रेसिपी आपको अच्छी लगी तो ज़रूर लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। आपके कुछ क्वेश्चंस है, डाउट्स है, सजेशंस है तो नीचे कमेंट बॉक्स में डालिए। फिर हम मिलते हैं ऐसी ही नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए गुड बाय, हैव अ नाइस डे, एंजॉय, टेक केयर एंड बाय बाय।